एमओएस एंड सीएफए के बारे में सरेश ने कितना बताया है, कैन यू ब्रीफ मी सो आई कैन मैनेज द टाइम। इस टास्क में देखिए हम क्या प्लान करने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ साइकोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलप टेस्ट। जैसे कई एक पार्टिसिपेंट्स ने ये बोल रहा है और ये सच है, मेनी टाइम्स वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू डेवलप द न्यू टेस्ट। द टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, हम उसको खरीद लेते हैं और अपने रिसर्च में यूज कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, द इनिशियली द टेस्ट वॉज डेवलप्ड ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन एंड यू आर गोइंग टू यूज इट ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन। सो वेन द पॉपुलेशन आर डिफरेंट, देन यू नीड टू वेरीफाई द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो दिस विल हेल्प यू टू एडेप्टेशन, गो फॉर एडेप्टेशन एक्सरसाइज। इसमें बताइए सलेश ने कितना बात की है आपसे अबाउट एमओएस एंड सीएफए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद एमओएस? Yes, sir. Basic has been discussed about MOS and CFA. Overview Yes, done. Okay. Okay, so I will skip this part of the discussion. Directly, I will switch over to the hands-on practice exercise so you have some idea about what is expected from this type of exercise. One of the adaptation exercise, friends, if the participant is with me, with us, then it was the case in case of my research scholar. And this is not the data. This is the data. Actually, we tried to go for the adaptation exercise for psychological well-being scale. So this is the data which is in SPSS. Okay. Now we need to go for adaptation exercise. Say it is a test developed by different authors on a different population. Now I am interested to use this test on my population. So before using it, I need to go for CFA, not EFA. I want to confirm the dimensionality. Okay. So these are the scores of my data set from PW B1 to 42. So there are 42 items in this scale, psychological well-being. And the data, if you see like this, on a 6-point scale, initially 6-point scale per tha. So this is the data for psychological well-being. So the data set in my case, it is around 250. 250 का डेटा है. सो यहाँ टास्क है टू गो फॉर एडेप्टेशन एक्सरसाइज. मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आई एम नॉट डेवलपिंग ए न्यू टेस्ट. दिस टेस्ट इज डेवलप्ड बाय ए डिफरेंट पर्सन ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन. आई वांट टू वेरीफाई इट्स करेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो फ्रेंड्स, यू विल गो टू द एनालाइज एंड सिलेक्ट एमओएस. नाउ सी, आईबीएम एमओएस इज हियर. एमओएस, इट इज द फैमिली सॉफ्टवेयर ऑफ द एसपीएसएस. IBM family software. Whenever you are installing, it will be included in the analyze part of the menu bar. Not very costly, around 1.40 lakhs. And trial version is again available for. This is another data. If you look into this part of the data, I hope ये वाला पार्ट आपसे डिस्कस किया है. एमओएस का उन्होंने, इट्स वेरी फ्रेंडली.
बहुत आसानी से आप चीज़ों को बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से प्रेजेंटेशन आप मिल सकता है। अगेन इट वाज द टेस्ट टू अबाउट परचेज बिहेवियर मॉडल। परचेज बिहेवियर के बारे में इफ यू गो बैक टू द स्लाइड्स एक्चुअली यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो फॉर दिस इज द केस स्टडी प्लांट बिहेवियर टू परचेज। दिस इज द पार्ट ऑफ सैम। सो देर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑन दिस पार्ट। ओके एंड परचेज इंटेंशन हैज ए इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन परचेज बिहेवियर एंड दिस पार्ट इज हैविंग ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परचेज बिहेवियर। सो इन पांचों डायमेंशंस को लेके देखिए वो एक्सरसाइज की थी। यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट इज दिस एटीट्यूड परचेज बिहेवियर। ये सारी चीजें ओके इफ यू क्लिक दिस पार्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स एंड क्लिक दिस पार्ट देन यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। दिस इज कोवेरियंसेस, दिस इज जस्ट लाइक द रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके एंड इफ यू गो टू द टेक्स्ट आउटपुट, क्लिक द टेक्स्ट आउटपुट एंड सी द एस्टिमेट्स। नाउ सी अगर आप देखें देर आर फोर फैक्टर्स, फोर वेरिएबल्स, ऑब्जर्व वेरिएबल्स, दे आर नोन एज एक्सोजेनियस वेरिएबल्स। ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। द ब्यूटी ऑफ द एमओएस इज इफ यू क्लिक दिस स्टार एंड क्लिक द इंटरप्रिटेशन विल बी देयर, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, कोरिलेशंस, वेरियंसेस एंड ऑल स्टैटिस्टिक्स। इट इज अबाउट द एस्टिमेट्स। इफ यू गो टू द मॉडल फिट्स सो दीज आर द डिफरेंट फिटनेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में नॉर्मल वैल्यू सब दी गई है दैट वी कैन लुक इनटू देम। सो एक तो ये थी कि इफ यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ दिस इज अगेन सीएफए, ऑल द आइटम्स आर कंफर्म्ड इनटू द एमओएस। अब आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, अगर वो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं उन्होंने जो बोला था कि सर वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर एडेप्टेशन एक्सरसाइज। सो दिस इज द स्केल ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। इट हैज 42 आइटम्स हैविंग सिक्स फैक्टर्स, सिक्स डायमेंशंस। नाउ आई वॉन्ट टू एग्जामिन इज देयर एनी चेंज इन ऑब्जर्व वेरिएबल्स टू मेक द हिडन वेरिएबल, या सारे आइटम्स सही बिहेव कर रहे हैं टू मेजर द हिडन और लेटेंट वेरिएबल। एडेप्टेशन एक्सरसाइज। तो इसके लिए आई विल अगेन गो टू द एमओएस और एमओएस में नाउ सी वी विल हैव दिस। लेट मी ओपन द मॉडल, परहैप्स इट इज पीईएस, दिस साइकोलॉजिकल वेलबींग। दिस इज द मॉडल, दिस इज द मॉडल ऑटोनोमी। इट इज मेजर्ड बाय दीज आइटम्स। एनवायरमेंटल मास्टरी, इट इज मेजर्ड बाय दीज आइटम्स। पर्सनल ग्रोथ, दीज आइटम्स। पॉजिटिव रिलेशंस, पर्पज इन लाइफ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। दिस आई मेड। नाउ आई वॉन्ट टू सी द स्टैटिस्टिक्स। यू जस्ट क्लिक द स्टैंडर्डाइज कॉफिशियंट एंड क्लिक दिस सो ऑल द वैल्यूज आर हैव बीन प्लेस्ड ऑन इन द फिगर। बट आई एम इंटरेस्टेड टू सी द आउटपुट। इफ यू गो टू द आउटपुट एंड सी द एस्टिमेट्स, दिस एस्टिमेट्स। नाउ सी फ्रेंड्स, आई होप द पार्टिसिपेंट्स इज विद मी। शी आस्क मी क्वेश्चन अबाउट द अडेप्टेशन एक्सरसाइज। कैन यू कन्फर्म मी दिस पार्ट इज डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग फॉर यू। यस सर, यस सर, यू आर अवेलेबल रूपाली?
यस फाइन, सर, जहाँ डाउट हो प्लीज आप बताएंगी। ओके सर, सो दिस पार्ट आई एम स्किपिंग, वी कैन हाउ टू डेवलप दिस स्कीमा और फिगर दैट यू नो। आई हैव आई सपोज दिस सलेश हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ, अदरवाइज इफ यू आस्क आई विल डू, आई कैन डू दिस पार्ट आउट ऑल्सो। इज इट रिक्वायर्ड सर इट्स और डन नॉट? बाय शैलेश सर, इट इज यस डन, सर, इट्स इट इज डन फाइन बाय बाय। हिम। फाइन सर, फाइन। सो इन दिस देखिए, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर द आउटपुट। इफ यू गो टू द आउटपुट, दिस इज माई रिसर्च स्कॉलर्स डेटा एंड द साइकोलॉजिकल टेस्ट वाज डेवलप्ड बाई अनदर ऑथर ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन। नाउ आई एम यूजिंग इट ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन। सो आई एम इंटरेस्टेड टू एग्जामिन द डायमेंशनलिटी। इट इज द पार्ट ऑफ कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ओके, द टेक्स्ट आउटपुट। See, if you go to the estimates, now see, item number 13 and 19, this item number 13 is not significant with factor 1. Factor 1 ka matlab, it is dimension 1. Ab dekhi, ye mujhe clue milenge, milega isse. During this, and this is autonomy. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, factor 6, 6 factors. Is wale factor mein item number 13 jo hai, it is not found statistically significant. So during the adaptation exercise, I need to remove this item from the dimension. This is the exercise. Otherwise, your results will not be as expected. Trust me. Now, without this exercise, chale jaiye aage, you will see different results. In addition to, you won't be able to justify your psychometric properties of the scale. So, item number 13 needs to be removed from this dimension. And item number 19 also, this value is greater than 0.05. It has to be less than or equal to 0.05. ये तो 0.06 हो जाती है. So item number 13 and 19 needs to be removed from factor number 1. आप अपनी थीसिस में लिखेंगे during the confirmatory, during the adaptation exercise, confirmatory factor analysis was conducted. And it was observed that item number 13 and 19 were not found significant at 0.05 level of significance. So they were removed from the dimension. Okay. Similarly, go to the factor number 2. See the item number 8 and 14. Same sentence you will make. Coming to the factor number 3, item number 15, factor number 3, item number 15, excuse me. So on the basis of this analysis, now you are going to this factor number 4, item number 10, factor number 4, item number 10. And isi tarah se, this is fine, it is less than 0.05, you can accept it. Okay, then see the level of significance of this item, how much it is extreme behavior, 0.999. Useless item in case of factor number 6, self-acceptance, item number 6. You will see, I'm sure, I have seen this part of the exercise. This item is really relevant in case of my target population. So friends, 1, 2, 3, 4, 5,
six and seven items are to be removed. This is one of the criteria to go for the adaptation exercise. आप यहीं से फैसला ले सकते हैं. However, there are more to come. There are more to come. You can go for this model fit statistics also. यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा. आइडिया कहाँ से मिलेगा? If I share this part of the discussion with the normal value. See, the GFI has to be greater than or equal to 0.92. Okay. RMSEA 0.08 and so on. और भी देखिए normal values मैंने PPT में होनी चाहिए. Perhaps some other table that yes, these are the normal values. RMCA needs to be less than equal to 0.05 for the fit. Good fit, but less than 0.08 is acceptable fit. GFI greater than 0.9. NFI greater than 0.9. CFI greater than 0.9. TLI greater than 9. So these are some of the statistics required to confirm the fitness of the model in case of analysis. तो यहाँ से भी आप decision ले सकते हैं on the basis of these statistics. RMCA देखिए इस केस में आप देखिए it has to be greater than point or less than 0.09 perhaps क्या था this RMCA less than 0.08 or 0.09 RMCA. You go to the RMCA. See, less than 0.09. In your case, it is 0.12. This is because of the fact when some of the items giving problem in your analysis during the adaptation exercise. Friends, when you now you have a direction, you need to remove these items from the analysis. And after removal, now see, this is the case. We have removed all the relevant items from the respective dimensions, and it will be my final scale based on you know ke perhaps 35 or 36 items. Okay, if you go back to the analysis, then calculate estimates. Fine, standardized coefficient, you are having values for each parameters, then unstandardized values for each parameters. Then you go to the text view, and if you go to the estimates, now see, all are statistically significant. It is less than 0.05, you need not to bother about this. अभी देखिए जो पहले ये problem आ रही थी अभी rule out हो जाती है. फैक्टर वन में सभी सिग्निफिकेंट हैं, टू में सभी, थ्री में, फोर एंड सो ऑन, ऑल आर सिग्निफिकेंट. ओके, सो यू आर हैविंग द बेटर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन लाइक दिस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रेंड्स नाउ यू कैन हैव द इम्प्रूव्ड मॉडल एंड यू कैन गो फॉर सम. एक बात ख्याल रखिएगा यहाँ पे, एज वी शेयर्ड विद यू दिस पार्ट. At least not all. If you are going to all, then again you are going to put yourself in the problem. Huh? GFI close to 0.95. अगर GFI को देखें आप, GFI देखिए, RFI, GFI देखिए close to 0.95. नहीं है, 0.6 है. देन अगेन यू गो फॉर RMR, इट हैज टू बी RMR, छोड़ दीजिए RMCA लेस देन पॉइंट दिस TLI
0.95 NFI, 0.95 TLI and point TLI and NFI. If you go to the TLI and NFI, TLI dekhiye, NFI. So some of the, again there is problem in the model, but here you need to concentrate on this part of the discussion. Since we are not going to examine the direct and indirect effects, these all fitness of the model goes in case of SAM, not CFA. CFA help you to look into the this part of the table only. All the observed variables are significant with their respective hidden or latent variable. All are significant. And इसको लेकर आप अपने रिसर्च में आगे बढ़ जाइए, देन इट विल बी अ वंडरफुल रिसर्च. और इसके बेस पे फ्रेंड्स अगर आप देखें, इफ यू विश आई कैन शेयर सम ऑफ द रिजल्ट्स जो कि पहले नहीं थे. मैं एक सेकंड के अगर आपको दिखाऊं, दिस इज शी इज माय रिसर्च स्कॉलर जिनका मैं एक आउटपुट सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इफ यू गो टू द कोरिलेशन मैट्रिक्स, Now see, double stars, all correlations are statistically significant. Now see, not a single one is missing. If you go to the PWB1, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, all factors are statistically significant. Double star, statistically significant, which was not possible before adaptation exercise. पहले तो correlations ही नहीं मिल रहे थे. Now we have been able to do this part of the domain after the adaptation exercise. Okay, friends. So this I was planned to discuss with you, that you have seen this part and some of the discussions already happened. Different type of measurement he has discussed, and CFA के बारे में you are already familiar. Then how to create or you can have the this trial version, or I don't know in your city what is the perspective. Otherwise MOS and SPSS all are available within few hundreds in metros. You can buy it, you can use it, or you can develop a very nice model. So isko practice kariye, or when you are using when you are using friends SAM and CFAs in your research, so you can imagine the level of your output will be so high. Iske sath khelna shuru kariye. Okay, aap bahut hi handy hai, aap isse bahut hi aasani se move kar sakte hain. Okay, like then you can have copy of it. You can go for, you can delete it, you can compress it, you can move parameters, cursor, just hover open the cursor, then you will have the values of it. If you want to create the duplicate of this, now see, just create this cursor like, then you can have like this. Can have like this. Bahut aasan is. Just create the plugins, name unobserved variables. Sare variables name ho gaye. Then you can create the covariances like this, like this. Okay. And like this also. Just touch up. Just go it and click it like this. Ready. And you need to connect the data file with this, then accordingly you can frame different. Isko bhi aap move kar sakte hain, just select all and move the object. Aap jahan chahe aap isko rakh sakte hain. Okay, ye almost sari cheeze ho rahi hain. And you can go to fix the analysis property, kya kya kahan pe karna hai, that you can go for it.
हैं। तो नेहा जी, इज एनीथिंग एल्स सो आई कैन एड्रेस इफ यू कैन हेल्प मी? अदरवाइज एमोस पे मेरा प्लान था, यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। अगर आप यस सर, वी आर डन विद एमोस, बट हैप्पीनेस स्टिल इफ द आपको पार्टिसिपेंट्स, इफ स्टिल द पार्टिसिपेंट्स वांट, वी कैन कंटिन्यू विद दिस। हैप्पीनेस जस्ट फॉर अ पॉइंट, हैप्पीनेस वाला स्केल आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ, वी वर एबल टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी। इफ यू गो टू द फैक्टोरियल एनालिसिस फॉर द दिस टेस्ट, जस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट आई वांट टू शो यू। सो वी रिमूव्ड आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 17, फोर आइटम्स वर गिविंग द प्रॉब्लम। व्हेन आई वेंट टू दिस एग्जामिनिंग द स्टैटिस्टिक्स फ्रेंड्स एंड लुकिंग लुक ट्राई टू लुक इनटू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फैक्टर्स फॉर हैप्पीनेस, इट हैज बीन अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। सो जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सी द आउटपुट्स। Is it the same viewer or some more file? I think this is the file. Happiness, yes, this is the file. Now see the determinant. Greater than 0.00001, very high. 0.50 and above, this is okay. Now see, it was a very interesting part. Initially, there are five factors. Now, if you go back to this part of the domain, अगर आप देखें, इफ यू लुक इन टू दिस मैट्रिक्स फाइव फैक्टर्स, सो यू कैन नॉट अलाउ टू फैक्टर्स, टू आइटम्स इन अ फैक्टर। सो इसी स्टेज पे यू कैन रिमूव दीज टू आइटम्स, 21 एंड 10, 21 एंड 10। अगेन यू गो टू द सेम एनालिसिस एंड रिमूव 10 एंड 21 एंड अगेन सी द सेम। क्या स्ट्रक्चर आ रही है? देखिए, इम्बैलेंस स्ट्रक्चर, इट इज अ डिफरेंट डेटा एक्चुअली। अदरवाइज वी गॉट अ वेरी बैलेंस्ड स्ट्रक्चर इन अवर कोरिलेशन मैट्रिक्स। So this I could have. As a small sample size comparing to the 10 and this. And last concert have this 2, 5, 14, and 17, 21. 71 was not there. Yes. Was the scene. It was the scene actually. अब देखिए, there were four factors related to the happiness. It has five items, four items and three items. So it was a balance. At least three items must be for the observed variable. Friends, when I try to name these factors, if you go through these items, the first factor was related to the self-happiness. If you are happy from inside, then you will be the happiest individual to start with. Second factor emerged in the factor analysis, it was family. As a human being, we are connected with a number of relationships, spouse, children, society, parents, society नहीं, parents, relationship, family, blood relation. So second cause of happiness was family.
I am happy. If I am getting the happiness from my family, then again I will be the happiest individual. And the third factor emerged out of these four items. It was societal, or you can say the workplace. I'm happy. I have happiness from my family. But when I come out of my house, पल भर में कोई स्ट्रेस दे के चला जाता है. When I visit the workplace, पल भर में बॉस डाउन कर देता है. I'm not happy. Happiness gone. If I am getting the happiness from the society, from the workplace or boss, then again I will be happiest individual. So theoretically it was limited up to these factors, three factors. और क्या हैप्पीनेस चाहिए? इन दिस डेटा सेट द फोर्थ फैक्टर इमर्ज्ड व्हेन वी ट्राई टू स्टडी दीज टू आर थ्री आइटम्स देन इट वाज डिफिकल्ट टू नेम देम. देयर वाज अ डिबेट विद द सीनियर कोलीग्स. देयर इज नो रीजन टू गो फॉर थर्ड फोर्थ फैक्टर. फेवर ऑफ द ओपिनियन इससे ज्यादा हैप्पीनेस का सब कंस्ट्रक्ट कोई होता ही नहीं. Friends, after reading these items time and again, you will surprise that we were able to give the name for this factor. Can you guide me to what may be the last or fourth factor that we wish to name it? Bataiye. Self. Sir, gratitude. Self. Family. Societal or workplace, and for the happiest, for the happiness, gratitude cannot be one of the dimension as far as the happiness is concerned. Friends, I gave name for this factor as spirituality. When you are happy. And you are getting the happiness from the family, you are getting the happiness from the society or workplace, then you will be connected to Almighty. Yes, thanks God. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Please allow to retain all these happinesses with me. Spirituality. So I gave this name. This test has been patent and cannot share this information with you. But it was on the basis of different data. So this was the part that I wish to share with you. So dear participants, now it's your time. If you feel any part that need to be addressed, please let me know. Amos ke bare mein already aapne mana kar diya. Otherwise I could have explained some of the examples. It's fine. It has been taken care of by Sadesh. Any question please बताइए. Totality में बात करते हैं. दिव्या जी आप बताइए. Thank you so much for your